हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेबीआर ऑनलाइन क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो हेलो एवरीवन, नाउ वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जेबीआर ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द आईसीएसई 2023 मैथ पेपर सॉल्यूशन। ओके, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 8, 9 एंड 10। द प्रीवियस वन प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक विल बी देयर। अब देखिए, 8 में यहां पर तीन सम है। जो पहला वाला सम है, यहां पर एक आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको मीन निकालना है। तो ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा। आपको, मुझे मालूम है आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर आंसर बोल देता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 27.25। ओके, 27.25 आप शॉर्टकट मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 25 जो होगा, वो 25 को आपको यहाँ पर ए लेट करना होगा। ओके, ए इक्वल टू 25 लिखना होगा और समेशन एफ आपका 40 आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल लेंगे, तो ऐसे 27.25 आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन, नंबर टू में देखिए, यहाँ पर व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर इन ऑर्डर टू गेट फोर नंबर इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब होता है फर्स्ट इंटू लास्ट एंड देन सेकेंड इंटू थर्ड। अब मुझे यहाँ पर x एड करना है, सो 4 प्लस x इंटू 11 प्लस x, दैट वन इक्वल टू 6 प्लस x इंटू 8 प्लस x। ओके, चारों नंबर के साथ मुझे x ऐड करना है। अब यहाँ पर 44, फिर यहाँ पर 11x एंड 14x, सो 15x, और लास्ट में x स्क्वायर। यहाँ पर 8 इंटू 6 48, 14x और x स्क्वायर। सो x स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ पर माइनस 4 हो गया, यहाँ पर माइनस x, दैट मीन्स x इक्वल टू 4। ओके, सो x इक्वल टू 4, दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट वन, यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी ए सी इक्वल टू 120। ओके, बी ए सी इक्वल टू, वेरी इजी। पहले आपको यहाँ पर एक 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना होगा ए बी, फिर यहाँ पर बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक 120 डिग्री ड्रॉ करना होगा। तो इस तरह से हम लेंगे ऐसे। ओके, अब यहाँ पर 60, फिर 120, इस तरह से। तो यहां पर हो गया 120 डिग्री। सो ए एंड दिस वन बी, सो डेफिनेटली दिस वन सी। अब ए सी इक्वल टू 5, फिर आपको यहां से 5 सेंटीमीटर ऐसे काट लेना होगा स्केल से। सो 5 सेंटीमीटर, और यहां पर ए बी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ कंस्ट्रक्ट अ सर्किल पासिंग थ्रू ए बी सी। ओके, पासिंग थ्रू, इसका मतलब आपको यहां पर एक सर्किल ड्रॉ करना होगा, जो सर्किल पासिंग थ्रू सर्कमफेरेंस। ओके, सर्कम सर्किल आपको यहाँ पर ड्रॉ करना होगा। तो वेरी इजी है, आप कोई भी दो साइड को यहाँ पर बाइसेक्ट कीजिए, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जाके वहां से कोई भी एक वर्टेक्स को कनेक्ट करके फिर इसको पूरा घुमा दीजिए। वहां से आपका क्या जाएगा, वहां से आपका पूरा सर्कम सर्किल आ जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर ए बी को बाइसेक्ट किया है तो ऐसे लाइन आ जाएगा। फिर मान लीजिए मुझे बी सी को बाइसेक्ट किया है तो बी सी को बाइसेक्ट करने के ऐसा लाइन आ जाएगा। फिर जो यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, इसी पॉइंट से आप ए या बी या सी कोई भी एक वर्टेक्स को कनेक्ट कीजिए, वो आपका रेडियस हो जाएगा। आप रेडियस के हिसाब से इसको घुमा दीजिए, फिर आपका सर्किल आ जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 9। चलिए नंबर 9 में यहाँ पर यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो यहाँ पर हम रूट 2x प्लस 2 और यहाँ पर रूट 2x माइनस 1 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर रूट 2x प्लस 2 और माइनस रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 3। 3 को हम 3 बाई 1 लिखेंगे। ओके, अब 3 बाई 1 यहाँ पर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मुझे यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना है। ओके, सो अगर कॉम्पोनेंट डिविडेंडो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर होता है, सो 2 इंटू 2x प्लस 2 पर में रह जाएगा, क्योंकि 2x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 2 इंटू रूट ओवर 2x माइनस 1 होगा। यहाँ पर आपका 3 प्लस 1 होगा, यहाँ पर 3 माइनस 1 होगा, 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाएगा 4 बाई 2, अगेन 2, दैट इज इक्वल टू। ओके, अब बोथ साइड के मुझे क्या करना है, बोथ साइड में मुझे स्क्वायर करना है। ओके, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट यहाँ से हटाना है, तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में। सो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2, यहाँ पर 2x माइनस 1, यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, सो 2x प्लस 2 इक्वल टू 8x माइनस 4,
So minus 6x equal to minus 6, x equal to 1. Okay, x equal to 1, that is your answer. चलिए, now next one. हो गया मेरा सम नंबर 9-2. अब सम नंबर 9-1 हो गया 9-2. Which term of the arithmetic progression 15, 30, 45, 60 is, suppose मान लीजिए a nth term is 30. Nth का formula क्या होता है? A plus n minus 1 into d equal to 300. हो गया? अब a का मतलब हो गया 15, फिर n मुझे मालूम नहीं है, और d, d यहाँ पर हो गया 30 minus 15, that one equal to 15. So 15, that one equal to 300. Okay, so n minus 1 into 15, then 300 minus 15, 5, 8, so 285. Okay, so n minus 1 equal to 285 by 15. Okay, so 285 by 15, it's 19. That means n equal to 20. So the 20th term, that one equal to 300. Hence, find all of all terms of the arithmetic progression. Okay, hence find the sum of all the terms of the arithmetic progression. So all the terms means Sn. So Sn ka formula hota hai yahan par n by 2, fir yahan par 2a plus n minus 1 into d. Okay, so n by 2, yahan par a ka matlab ho gaya yahan par 15, so 30 plus n minus 1 d equal to 15. So n by 2 यहाँ पर हो गया 15n and then 30 minus 15, so that one equal to 15. मुझे क्या निकालना है? 20. So 20 यहाँ पर डाल देते हैं, n equal to 20 मुझे मालूम है. So 15 into 20 plus 15. Okay. So 10 यहाँ पर 300, 315 हो गया यहाँ पर. एक साथ लिख दीजिए 315. So your final answer 3150. Okay. Your final answer 3150. Now next one, number 9-3. From the top of the tower 100 meter high, a man observed the angle of depression of the two ship A and B on opposite side of the tower as 45 degree and 38 degree respectively. If the foot of the tower and the ship are in the same horizontal line, find the distance between A and B. Okay. So as here 45 degrees, so this angle equal to also 45 and this angle equal to 38 degree. Okay, so tan 45, that means DC by AC equal tan 45. So this one also 100 degree. And from this one, DC by CB, that one equal to tan 38 degree. Okay, ab mujhe yahan par tan 38 ka value nikalna hai. क्योंकि DC equal to 100 मुझे मालूम है, so BC, so now tan 38 equal to 0.78, okay, so BC equal to 100 by 0.78, that means 110,000 by 78, so AB equal to 100 plus 10,000 by 78, so if 100 common 1 plus 100 by 78, then 100 into 178 by 78. Okay, or you can write down 100 whole 178 by 78. That is your answer. Now next one, sum number 10-1. Factorize completely using factor theorem. So here the equation 2x cube minus x square minus 13x minus 6. अब इसको यहाँ पर trial and error method करके देखना होगा जो x का कौन सा value से यहाँ पर 0 आता है. So मान लीजिए अगर एक यहाँ पर x 2 आ गया, so 16 minus 4, so it's 12, and then again minus 26, so 0 नहीं आएगा. हम यहाँ पर अगर 3 माइनस 3 ले लेंगे तो माइनस 3 से शायद नहीं आएगा. चलिए अब यहाँ से शायद मुझे लग रहा है माइनस 2 से आ जाएगा. सो 2 इंटू माइनस 2 होल क्यूब, देन यहाँ पर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 13 इंटू माइनस 2, देन 6.
यहाँ पर माइनस 8, सो माइनस 16, यहाँ पर माइनस 4, प्लस 26, माइनस 6, ओके, सो माइनस 26 प्लस 20 दैट इक्वल टू 0, ओके, सो दैट मींस x इक्वल टू माइनस 2, सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो दैट मींस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ओके, सो 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, अगर इसको हम x प्लस 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ओके, चलिए इसको x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, सो यहाँ पर 2x स्क्वायर, सो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस, सो यहाँ पर हो गया 5x स्क्वायर माइनस 13x, यहाँ पर 5x लिख दीजिए, सो 5x स्क्वायर माइनस 10x, सो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, सो माइनस 3x माइनस 6, सो माइनस 3, सो माइनस 3x माइनस 6, ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले यहाँ पर लिखिए x प्लस 2 एक फैक्टर और दूसरा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, सो x प्लस 2 इज अ फैक्टर, देन 2x स्क्वायर 3 टू द 6, ओके, सो माइनस 6x प्लस x माइनस 3, यहाँ पर x प्लस 2, अगर यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे सो x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे सो x माइनस 3, सो योर फाइनल आंसर x प्लस 2, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1, ओके, 2x प्लस 1 दैट इज योर फाइनल आंसर। अब लास्ट वन, सम नंबर 10, सम नंबर 10 के लिए यहाँ पर मीडियन अपर क्वार्टाइल आपको निकालना है, सो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, आई होप यू कैन सॉल्व इट, ओके, सो बाय एवरीवन।